नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो जारी हो रहा है राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर के द्वारा। और इसमें आवश्यक सूचना है, यानी जितने भी एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो किए हुए हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है। तो इसकी बात की जाए तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक सामान्य 2018 1268 दिनांक 25/10/2018 को जारी किया गया था कि अनुपालना में जयपुर जिले के समस्त नर्सिंग स्टाफ जो राजकीय अस्पताल, राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र, निजी चिकित्सालयों, निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हैं एवं जो राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर से रजिस्टर्ड हैं, वे नर्सिंग स्टाफ अपने यूनिक आईडी यानी आधार की तरह इनकी भी यूनिक आईडी बनेगी तो दिए गए चार्ट के अनुसार कैंप में पहुंचकर आवश्यक रूप से बनवाएं। तो उक्त आईडी बनवाने हेतु फिनोपेटेक लिमिटेड जो भी कंपनी उसको अधिकृत किया गया है वो हमारे मतलब की बात नहीं है। और इसमें अगर जब आईडी बनवाने जाते हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड चाहिए होगा, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति चाहिए होगी, 10वीं 12वीं की अंकतालिका की मूल प्रति चाहिए होगी, पैन कार्ड है तो वो भी चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। और साथ में अगर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग अगर आपने की है तो उसकी फाइनल ईयर की अंकतालिका होनी चाहिए, एनएम जीएनएम की है तो भी उसकी फाइनल ईयर की अंकतालिका होनी चाहिए। और कैंप की जो आयोजन की बात की जाए तो पीएचसी कानोता में होगा, तो ये 30 से लेकर 31/10/2018 तक यानी हो चुका है। और सीएससी बस्सी की बात की जाए तो ये 1/11/2018 से 2/11/2018 सांगानेर, चाकसू, फागी, दुदू, किशनगढ़, रेनगढ़, फुलेरा, सांबर और राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर, इनमें जो डेट है वो सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यानी 22/11/2000 लास्ट इसकी जो डेट है वो 5/12/2018 तक आप यहाँ पर करवा सकते हैं, कैंप लगेगा। तो इस जो आईडी बनाने के लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। और ये इसका नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर जाकर भी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो अगर किसी भी जो आईडी बनानी है आपको उसके लिए किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो ये जो जो कंपनी है जो बना रही है उसका जो कोऑर्डिनेटर है श्री सुनील कुमार शाही, इसके जो मोबाइल नंबर है ये मोबाइल नंबर यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये जो मोबाइल नंबर है इस पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर मिल जाएंगे। और ये जो आईडी का टाइम रहेगा वो आपको 30/10/2018 से लेकर 5/12/2018 तक है, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपनी आईडी बनवा सकते हैं। तो ये आईडी बहुत ज़रूरी है और ये आईडी आप ज़रूर बनवाइए। ये इसकी डिटेल दे रखिए कहाँ कहाँ पर कैंप लगेगा, कितनी तारीख को लेगा, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए आईडी क्यों ज़रूरी है, तो नर्सों का निःशुल्क पंजीकरण, परेशानी मुक्त पंजीकरण जो आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जुड़ा हुआ है, देश भर में एक समान एकीकृत प्रणाली द्वारा सरल पंजीकरण, राष्ट्रीय अद्वितीय पहचान संख्या यानी NUID प्रदान कर नर्सों का सशक्तिकरण किया जाएगा, 150 घंटे निरंतर नर्सिंग शिक्षा CNC के साथ 5 वर्ष में एक बार लाइसेंस का नवीनीकरण आपका किया जाएगा, NUID कार्ड धारक अभ्यर्थियों को पहली बार CNC के 30 घंटे का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं को प्रभावी जनशक्ति योजना बनाने में सुविधा मिलेगी और नर्स मिडवाइफरी के संपूर्ण पूर्ण विवरण के साथ सभी को नर्स पासबुक जारी की जाएगी। यानी आपको यहाँ पर बाकी जो आने वाली दिक्कतें वहाँ से आपको यहाँ पर समाधान मिल जाएगा। तो ये आप आईडी ज़रूर बनवाइएगी, आईडी आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड है इसी प्रकार आपकी नर्सिंग की आईडी बनेगी। तो ये आईडी आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ एजुकेशन से जुड़ी हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हो या फिर वैकेंसी से जुड़ी हो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।